अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माई डियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर वन विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स, और वी कैन से दैट हाउ प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो यू ऑल नो दैट plants also synthesize proteins and fats. Look at here, you all already you know about that carbohydrates. Plants synthesize carbohydrates. How they synthesize, we had learned this type of topics in our last video. Plants synthesize carbohydrates, and they synthesize from simple carbohydrate to complex carbohydrates. First of all, what do you mean by synthesize? And what is the meaning of synthesize? When we are putting together different entities to make a होल विच इज़ न्यू एंड डिफरेंट. जब आप किसी भी बहुत सारी एंटिटीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक कोई न्यू थिंग आप डेवलप करना चाहते हैं, न्यू थिंग बनाना चाहते हैं, देन उसको सिंथेसाइज कहते हैं. यू ऑल नो दैट प्रोटीन्स एक्चुअली आर दैट सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. प्रोटीन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं. बट हियर अ क्वेश्चन अराइजेस दैट फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. प्लांट्स नाइट्रोजन को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो यू ऑल नो दैट प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल. Plants take nitrogen from soil, and plants cannot use the nitrogen present in the air. It means that plants cannot directly take nitrogen which is present in the atmosphere. They actually take nitrogen from the soil. Plants जो हैं वो nitrogen को atmosphere से directly use नहीं करते हैं. वो nitrogen को एक नाइट्रोजन को वो सॉइल से यूज़ करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. बट व्हाट हैपन टू द सॉइल? सॉइल में ऐसा क्या होता है एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल दैट गिव्स नाइट्रोजन टू द प्लांट्स? लुक एट हियर. Look at here, they need nitrogen in a soluble form. Soil has certain bacteria called rhizobium bacteria. So soil में एक bacteria present होता है जिसे हम rhizobium bacteria बोलते हैं, जो कि एटमोसफियर से नाइट्रोजन को लेकर उसे वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करके रिलीज़ करते हैं सॉइल में, जिससे कि सॉइल फिर एब्जॉर्ब करते हैं उसे नाइट्रेट फॉर्म में. लेट्स लुक एट हियर. आई हैड मेड दिस फ्लो चार्ट. In soil, rhizobium bacteria is present. In this first point, you can see here that in soil, rhizobium bacteria is present. Now, this bacteria take atmospheric nitrogen. Means, जो plants होते हैं वो direct atmosphere से nitrogen को absorb नहीं करते हैं. वो क्या करते हैं? Soil में एक rhizobium bacteria होते हैं, वो एक्चुअल में क्या करते हैं? Atmosphere से nitrogen को absorb करते हैं. Now वॉट अबाउट नेक्स्ट स्टेप? अब इस एटमोसफियरिक नाइट्रोजन को जैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब किया, वो इसे कन्वर्ट करते हैं वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन में. वो उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? ऐसा नाइट्रोजन जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं. सो राइजोबियम बैक्टीरिया टेक एटमोसफियरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इंटू वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन विच इज़ नोन एज नाइट्रेट. अब उस नाइट्रेट का राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो रिलीज़ करते हैं उस वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन को सॉइल में. इट रिलीज वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन इंटू द सॉइल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स विथ वाटर. नाउ वॉट हैपन्स लेटर? कि वो जब रिलीज़ करते हैं नाइट्रेट को सॉइल में, तब प्लांट्स सॉइल से विथ वाटर
वाटर एंड नाइट्रेट उन दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस कि राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे वर्क करते हैं एंड जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं. नाउ डू यू नो दैट फर्टिलाइजर्स विच फार्मर्स यूज, फर्टिलाइजर्स दैट आर रिच इन नाइट्रोजन, तो जो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, वाई दे आर यूजिंग दैट फर्टिलाइजर्स, बिकॉज दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड प्लांट्स नीड नाइट्रोजन बिकॉज दे नीड प्रोटीन. ओके, एंड प्रोटीन आर दैट सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, सो प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम दैट फर्टिलाइजर्स, ओके, दैट फार्मर्स यूज. सो नाउ देयर इज वन क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क, दैट डू यू नो हाउ सनफ्लावर एंड मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम वी आर गेटिंग सनफ्लावर एंड मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम इट्स सीड्स, हाउ दिस हैपन? सो इन सर्टेन प्लांट्स लाइक सनफ्लावर एंड मस्टर्ड, इन सर्टेन प्लांट्स लाइक सनफ्लावर एंड मस्टर्ड कन्वर्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ग्लूकोज इन टू ऑयल्स एंड स्टोर दैम इन देयर सीड्स. वो क्या करते हैं कि वो जो प्लांट्स होते हैं सनफ्लावर एंड मस्टर्ड, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज, हमने पढ़ा है कि हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बोलते हैं, वो इसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सिंथेसाइज करते हैं एंड देन हम उसे कन्वर्ट करते हैं, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ऑयल्स में एंड उसको स्टोर करते हैं सीड्स में. सो वी आर गेटिंग ऑयल फ्रॉम दैट सीड्स. ओके, नाउ डू यू नो दैट प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसाइज विटामिन्स एंड विटामिन्स आर फाउंड इन वॉट? यू ऑलरेडी नो न्यू दैट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स. आई होप दिस प्लांट्स, हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स और हाउ दे गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, यू अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो देयर आर, वी हैड ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट वॉट आर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे डोंट इवन सिंथेसाइज देयर फूड ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. एंड देर आर लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो विच डिपेंड ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स एंड दैट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल. फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो वॉट आर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? Some non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals. So such plants are usually white in color and have no leaves at all. These plants have no leaves and they are in which color? They are present in white color and they obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals. Okay, now so the correct definition of saprotrophic nutrition is the mode of nutrition in which the non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprotrophic nutrition. So ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए जो प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो चुके हैं उनसे अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं. एंड ऐसे प्लांट्स जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं हम उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं. ओके, इज इट क्लियर? नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्रोफाइट्स आर इंडियन पाइप एंड कोरल रूट. सी लुक हियर बेटा, दिस इज द डायग्राम ऑफ इंडियन पाइप एंड सेकेंड कोरल रूट. दिस इज द इमेज ऑफ कोरल रूट. ओके, इज इट क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट another point of saprophytes. So do you know what is present in the roots of saprophytes which actually absorb nutrients, which absorb the nutrients for the non-green plants? So
लेट्स रीड विथ मी. द रूट्स ऑफ सेप्रोफाइट्स कंटेन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी. सो जो रूट्स होते हैं सेप्रोफाइट्स के, उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं विच वी कॉल्ड फंगी. सो वॉट फंगी इज डूइंग इज, जो फंगी होते हैं वो जितने डाइजेस्टिव जूसेस हैं, लुक हियर आई हैव मेड अ फ्लो चार्ट. सो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स, देन दीज फंगी सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. वो क्या करते हैं, जितने भी डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनमें डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं एंड देन